पूनमचंद कुमार का नमस्कार। आज मैं सभी भाइयों को खेती के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा, जो कि हम कर ही रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि रासायनिक को छोड़कर कुछ अपने परिवार के लिए ज़्यादा नहीं तो 2 बीघा ही जैविक खेती करने का प्रयास करें, ताकि उसमें अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो कुछ ही कर ही सकते हैं अपन। और मैं भी पहले रासायनिक खेती करता था, तो मैंने सोचा कि कुछ अपन भी अपने परिवार के लिए कुछ करें, और उसमें रासायनिक में खर्च भी ज़्यादा बैठ रहा था। मेरे पिताजी भी करते थे रासायनिक खेती, तो मैंने कुछ थोड़ा सोचा कि अपन क्यों ना कम लागत वाली खेती करें, ताकि अपने को फ़ायदा हो और अपने परिवार को भी फ़ायदा हो और प्रकृति को भी फ़ायदा हो। तो मैंने 2 साल से अब शुरुआत की है करते हुए जैविक खेती। तो मैंने 8 बीघे से शुरू की, तो आज उसमें बिल्कुल ही पैसा नहीं लगा है, जो लगाया उसमें सब जैविक ही किया है। अभी मैंने लहसुन भी लगाई है और अभी गेहूँ की बुवाई करनी है, तो उसमें भी पूरी ही रासायनिक खेती नहीं करना है मेरे को, उसमें जैविक ही करना है। जो मैंने दवा बनाई है और बनाने भी है, और बना बना के उसमें डालना है खाद वाद सब, जो जीवामृत है, फॉर्मिक एसिड है, क्या बोलते हैं अपने वेस्ट डिकम्पोजर और एक कीटनाशक, सभी चीज़ें घर पे बन जाती हैं और उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। ये एक थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसमें, थोड़ी मेहनत लगेगी और थोड़ा समय लगेगा। क्या है कि वो चीज़ थोड़ी पहले ही तैयार करनी पड़ती है। अपन सोच ले कि आज आज डालना तो आज नहीं बनेगी, 2-4 दिन पहले अपने बना के कंप्लीट करके रख लेना है। तो उससे क्या होगा, अपने मेहनत ही लगेगी, पैसा नहीं लगेगा, उससे अपने लागत कम लगेगी और मुनाफा ज़्यादा होगा, और अपनी ज़मीन भी बचेगी और अपना स्वास्थ्य भी सही साथ रहेगा। ठीक है दोस्तों, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा वीडियो अगर अच्छा लगे तो। जय किसान, जय विज्ञान।